तो क्या आप लोग जानते कि टोनी स्टार्क ने फाइट करना कहाँ से सीखा था? इसके अलावा ब्लैक पैंथर कितनी देर तक पानी के अंदर सांस ले सकता है? तो आज के हमारी इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ एमसीयू के 10 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में ही काफ़ी लोगों को नहीं पता। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो पे बने रहिए। अगर आप लोग एमसीयू काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं तो आप लोग को ये फैक्ट्स पता होने चाहिए। नंबर वन, कैप्टन मार्वल सीक्रेट बेस। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि जब भी कैप्टन मार्वल अर्थ को छोड़ के जाती है तो वो कहाँ पर जाती है। तो गाइस, कैप्टन मार्वल का अलग से एक सीक्रेट बेस है, और गाइस इस बात का अभी तक अवेंजर्स को भी नहीं पता है। और कैप्टन मार्वल के सीक्रेट बेस के बारे में निक फ्यूरी को पता होता है, जैसा कि थानोस के स्नैप करने के बाद निक फ्यूरी जो है कैप्टन मार्वल को उसके सीक्रेट बेस के ऊपर एक एसएमएस भेजते हैं, जिसके बाद कैप्टन मार्वल को वो एसएमएस मिलता है और वो अर्थ के ऊपर अवेंजर्स के पास आती है। नंबर दो, क्या आप लोग जानते हैं कि स्टार लॉर्ड की जो एज है वो ह्यूमन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्लो बढ़ती है, यानी कि इंसानों की जो एज है उसके मुकाबले पीटर क्विल की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रेट पर बढ़ती है। नंबर तीन, ओडिन। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि जो ओडिन है वो एसगार्ड के सभी लोगों की लाइफ फोर्स को जो है कंट्रोल कर सकता है। कमेंट करके बताइए क्या आप लोग को ये फैक्ट पता था या नहीं। नंबर फोर, क्या आप लोगों में से कोई जानता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपने हेयर को कलर करते हैं? और ये बात एमसीयू ने खुद ने कन्फर्म की है कि डॉक्टर स्ट्रेंज रेगुलरली अपने हेयर्स को कलर करते हैं। नंबर फाइव, ये फैक्ट जो है ब्लैक पैंथर से रिलेटिव है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था। क्या आप लोगों में से किसी को पता है कि ब्लैक पैंथर कितनी देर तक पानी में सांस ले सकता है? तो गाइस, इसका जो आंसर है वो ये है कि ब्लैक पैंथर 6 मिनट तक पानी के अंदर सांस ले सकता है। तो क्या आप लोग को ये फैक्ट पता थे? कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को मेरा ये काम अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और गाइस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। नंबर सिक्स, ये वाला फैक्ट कैप्टन अमेरिका से रिलेटिव है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता कि कैप्टन अमेरिका जो है पर्सनली टैटूज़ को हेट करते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के ऊपर टैटूज़ बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और ये फैक्ट एमसीयू ने खुद ने रिवील किया था कि कैप्टन अमेरिका को टैटूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर सेवन, क्या आप लोग जानते हैं कि कैप्टन मार्वल जो है इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकती है? कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। नंबर एट, ये वाला जो फैक्ट है गाइज वो डेयर डेविल से रिलेटिव है। आप लोगों में से किसी को ये बात नहीं पता होगी कि डेयर डेविल जो है लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि वो अपने बाएँ हाथ से काम करता है। कमेंट करके जरूर बताइए क्या आप लोग ये बात जानते थे या नहीं। नंबर नाइन, क्या आप लोग जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड के अलावा किसी भी वेपन को कुछ ही सेकंड्स के अंदर चलाना सीख सकते हैं? आप लोग को ये बात पता थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर टेन, आप लोग ये बात तो जानते हैं कि आयरन मैन की जो फाइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन गाइज आप लोग को ये बात पता है कि उन्होंने ये ट्रेनिंग ली किससे है? तो ये बात एमसीयू ने खुद ने रिवील की हुई है कि कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो ने टोनी स्टार्क को ट्रेन किया था फाइटिंग करने के लिए। तो गाइस, क्या आप लोग को ये फैक्ट्स पता थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट टू भी बने तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइस, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इन फैक्ट्स के बारे में पता लग जाए। और अगर आप लोग एमसीयू के फ्यूचर अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।